गंगो में आखिरकार क्या हुआ? भाजपा की तरफ से कीरत सिंह, गठबंधन की तरफ से इंद्र सेन और बसपा की तरफ से नोमान मसूद। आज जबरदस्त और बम्पर मतदान हुआ। हर किसी ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया, लेकिन इस पर्व में जीत किसकी होगी? नजर इस बार इस सीट पर मुस्लिमों पर रही कि आखिरकार मुस्लिम कहां गया, उन्होंने किसे चुना? लगातार ये कंफ्यूजन रहा कि आखिरकार क्या वो गठबंधन के साथ है या फिर वो नोमान मसूद के साथ है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं मोहनपुरा गांव में। मोहनपुरा गांव में हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार कौन सा मुद्दा, क्या सोचा समझा, क्योंकि कंफ्यूजन इस सीट पर बहुत जबरदस्त था। जो गठबंधन के प्रत्याशी है उनके बारे में लगातार ये बात हो रही थी कि हिंदू वोट बैंक तो उनके साथ नहीं है, इसलिए मुस्लिम उनके पास क्यों जाए। उधर नोमान मसूद भी कुछ ऐसे ही प्रचार कर रहे थे कि आखिरकार उनका क्यों, क्या क्योंकि यहां हमेशा से नोमान मसूद पर मुस्लिम वोट बैंक लगातार रहा, लेकिन इस बार के चुनाव कुछ अलग हुए। इसी पर बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ। क्या नाम है भाई साहब? जाहिद। जाहिद कहां गया आज इस बार? हां, इंदर सेन का दिया जी। साइकिल? आप साइकिल पर गए जी? नोमान छोड़ दिया इस बार जी? क्यों छोड़ दिया? साइकिल पर गए ज्यादा पहले हो गई। अच्छा, पहले में तैयार था मामला जी। आप भी भाई साहब? हाँ जी, हाँ, तो सब टोटल इंदर सेन पर गए। टोटल जी कितने वोट पड़े हैं? 1842 पड़े जी। 1872 मुस्लिमों के कितने थे? मुस्लिमों के 50-50 जी, 900-900 बराबर ही पड़े। अच्छा, आप भाई साहब जी क्या दिखाई दिया इस बार नोमान मसूद और इंदर सेन में से या समाजवादी पार्टी से? आपको कौन सा इस बार समझ आया? कंफ्यूजन की स्थिति है, त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पे। त्रिकोणीय मुकाबला है जी, मतलब कोई एक पक्ष कहे तो गलत होगा? जी गलत होगा। कि मुस्लिम किसी एक पे चला गया? नहीं, एक पे नहीं गया, नहीं, मतलब नोमान पे भी गए और इन और समाजवादी पे बंटवारा हुआ जी, गुजर वोटों में। गुजर वोटों में? हाँ, बाकी और जो छोटी कास्ट का वोट है वो नोमान की तरफ ही है ज्यादातर। अच्छा जी, मतलब जो और भाई हैं मैं जो है ना तकरीबन 60% जो मुस्लिम गुजर हैं जी जी वो बटा है जी जी जी, आधा समाजवादी पे 60% गया और जी जी और उससे अलग मैक्सिमम ये गांव तो मुस्लिम गुजरों का ही है जी जी, यहाँ से तो साइकिल है, गांव साइकिल है जी। तो क्या कारण रहा साइकिल पे जाने का यहाँ से? अखिलेश की नीतियों का, नीतियों का मतलब अखिलेश की वजह से आपने वोट दिया? जी जी जी, अखिलेश यहाँ के प्रत्याशी को नहीं दिया? कैंडिडेट से नहीं, पार्टी से वोट दे रहे हैं बार लोग। अच्छा, पार्टी को वोट? जी जी। अच्छा जी। आपका क्या नाम भाई साहब? लालू है सर। क्या करा लालू, किसे लाल कर दिया इस बार? परिवर्तन? परिवर्तन कर दिया आपका? अखिलेश के पास गया? अखिलेश के पास। इंदर सेन समझ में आए? इंदर सेन भी समझ में और जी अखिलेश भी समझ में जी, और जैन चौधरी भी। तो खैर 10 तारीख बताएगी जैन चौधरी की, तो आप यहाँ जैन चौधरी मतलब आपको लग रहा कि जाट भी बढ़िया मिले? जी बराबर बराबर मिले जाट भी। जाट ऐसा लग रहा था, लगातार ये बात हुई कि हिंदू उनके साथ नहीं, उनका जो कोर वोटर था गुजर, हिंदू गुजर वो उनके पास कम गया इस बार, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप, क्या मुकाबला कहाँ रहा? उनका जो बेस वोट है वो उन्हें उतना नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। ज्यादातर रुझान उनका बीजेपी भी रहा, हिंदू समाज का। हिंदू समाज का जी, तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा आपको मुकाबला त्रिकोणीय हो गया? त्रिकोणीय हो गया मुकाबला जी। टक्कर भाजपा और नोमान में हुई या ऐसा ही है जी? वैसे तो आपको लग रहा है टक्कर भाजपा और बिल्कुल नहीं, एक तरफा ही होया जी यहाँ तो। एक गांव के पे नहीं आप, या दो चार गांव पे नहीं आप, चार गांव से कर सकते आप। अच्छा, गंगो के बारे में कहा जाता, मैं गंगो गया था सुबह, वहाँ ज्यादा रुझान नोमान मसूद की साइड तो गढ़ है नोमान मसूद का पहले से ही, और ये तकरीबन 30-40 गांव के बराबर पड़ता है जब कवर होता है। तो मतलब अगर गंगो जिस पे गई क्या वो दूसरे नंबर पे रहेगा, या आप लगा सकते हो कि गंगो से मतलब दम रहेगा? बिल्कुल आज गंगो में है भाई साहब। नवीन में बता रहा भाई, यहाँ मेरा गांव है मैनपुरा, कोटड़ा है, कोटड़े में था 800 वोट नोमान ने मिला करे थे। इनका पता कर लो, कोटड़े का यहाँ भी होगा 50-60 वोट मिलेंगे। मेरे गांव में तो 700 वोट मिले थे उपचुनाव में, इनका 50-60 वोट मिलेंगे नोमान ने 10 मार्च में। हाँ ये स्थिति है, कहीं भी नहीं है मेरे यहाँ गाँव तो 10 तारीख में पता लगा है ना जी। नोमान ने भी दमदारी से चुनाव लड़ा जी, बिल्कुल बेशक।
और पिछले दो उपचुनाव में भी सेकंड नंबर रहा उनका और उससे 2017 में भी सेकंड नंबर रहा। और मसूद को वोट इसलिए नहीं दिया जनता को क्योंकि अगर ये विधायक बनाए गए तो मायावती मुख्यमंत्री थोड़े बनने लग रही है ऊपर से। अच्छा, आपको लग रहा है कि मुकाबला तो योगी और अखिलेश का है? जी अखिलेश योगी है यहाँ पर, या मायावती टीम तो भाजपा बी टीम मानी जाती है यहाँ पर। जी जी, मायावती को बी टीम, बी टीम मानते हैं जी। आप किसे फोन कर रहे भाई? नोमान पे मिला दिया अखिलेश पे? नोमान में कुछ दमदारी दिखी क्या? हाँ, दम क्यों नहीं है जी, वोट दिया उसको। वहाँ क्यों दिया? साइकिल पे अखिलेश ने दिखा साइकिल का, अखिलेश का क्या करना? नोमान लवाई है इनसे, 5 रुपए लगा किराया का, जल्दी पहुंच जाए इसका लवाई। इंदर सैन खुद आता है। आप भाई साहब क्या सोच के मतदान किया? क्या इस बार आपने जो अपना समीकरण बनाया था वो क्या था? हमारा जो समीकरण था, पहले तो मैं अपना एड्रेस बताऊं कुछ अपने बारे में। मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। क्या नाम है? अर्शद नाम है मेरा। अर्शद जी, क्या समीकरण तुमने लगाया? क्या सोचा था, मतलब वोट देने से पहले क्या दिमाग में था कि भाई किस, कौन जीत रहा है, जीतने वाले कैंडिडेट कौन है? सीधी हवा है, अखिलेश यादव की हवा है। अच्छा, सीधी सी बात है, इसमें ना कुछ कहना ना कुछ सुनना, हवा अखिलेश यादव की है। अखिलेश यादव को हमने वोट किया, बाकी टिकट किसी का भी हो, वो इंदर सैन का हो या रुद्र सैन का हो या किसी तीसरे का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अखिलेश यादव हमारा सही नेता जो है, अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी, तो आपने अखिलेश को वोट किया? जी जी अखिलेश। आपने भाई साहब? हमने भी अखिलेश को ही किया जी, हमारे तो दिल में अखिलेश है जी। दिल में है जी, लग रहा है ये दिल इस बार चल जाएगा जी, पूरा चलेगा जी, दौड़ेगा जी। हाँ, तुम भी साइकिल बोल रहे हो, आपने क्या करा जी? हमें तो साइकिल पर दिया जी, साइकिल ही ठोक का कतई साइकिल चलेगी जी, साइकिल का ही दिया जी हमें। तुमने भी दिया क्या? हाँ, मेरा वोट मेरा अधिकार, मेरा वोट मेरा अधिकार, अब की बार अगले सरकार। बढ़िया, 30-40 हजार तो जीत रहा इंदर सैन भाई। वो तो खैर 10 तारीख बताएगी भाई, बता रहा का यहाँ तो एक तरफ साइकिल चली। अच्छा, आए गजब नतीजे तो अखबार देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। तो ये आपको बता दूं, ये मुस्लिम गुजर का गांव है मोहनपुरा। गंगों की स्थिति तो सुबह हमने आपको दिखाई थी कि आखिरकार किस तरीके से मुस्लिम समाज, लेकिन एक भाई मिले थे वो कह रहे कि मुस्लिम वोट बटा है। हालांकि ये पूरी तरह से यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो साइकिल की बात कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि जो उनका कोर वोटर था यानी हिंदू गुजर, क्या वो उनको मिल पाया क्या? ये सवाल। क्या नाम है जी? जमशेद है जी। गुस्सा बढ़ा रहा कैमरे में, क्या बात? मतलब देख रहे हैं इसमें के बड़ा सिरा लाइट है। अच्छा, लाइट है। किसने दिया वोट? साइकिल का दिया जी। दमदारी थे? दमदारी थे। नोमान छोड़ दिया पीछे? मजबूरी में क्या करे बता जी, इसका कुछ आपका है ना? मजबूरी थी, मजबूरी या थी आगे इसका कुछ है तो नहीं, आगे तो नहीं कुछ भी है। 5-4 सीट लिकड़ गया, जो कहीं लिकड़ी गई थी फिर वहां कहीं बैठती नहीं। अच्छा, मायावती का कहना यू है, अगर जो वोट फालतू हुए मेरे पे कुछ, मामला बीजेपी से ही है, बीजेपी तय करेगा। तो बीजेपी जीत रही है, क्यों, क्या चमत्कार हो गया? चमत्कार तो ही रहा जी, और सारे काम में भयमुक्त है कि करी भैंस भूस झोटे जाटे कहीं ना लिया फिर, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। तो चला गया, अब इन बातों का दौर तो गया। सारी जगह बीजेपी जीत रही है अभी। सही तो है अभी, आप बताओ बताओ, बीजेपी का नहीं मुस्लिम ज्यादातर मुस्लिम वोट बीजेपी का भाई। हुटिंग नहीं, पता क्या है, अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, वोट जहाँ जाना था चले गए, अब तो विश्लेषण करने से है। तो हाँ, आप ये बताओ भाई, हल्ला ना मचाओ नवीन भाई। बात ये है कि मतलब मुकाबला आपको किससे लग रहा है? अब चिल्लाने से नहीं कुछ भी होने का, अब तो वोट पर गया। जी, मैं बता रहा हूँ, मुकाबले में कोई नहीं है। 30-35 हजार तो चौधरी इंदर सैन जीत रहे। इस बात को करने से, ये बातें करने से नहीं काम चलता। वो हर बार यही बात है, हर बार यही बात है। कौन सी बिरादरी से? रुको एक सेकंड, हिंदू गुजर। एक आप हिंदू गुजर हो, क्या नाम है आपका? आशीष चौधरी जी। कौन सा गांव से? कमेड़ा जी। कमेड़ा जी, इतने वोट है कमेड़ा में? कमेड़ा में जी 2100 का वोट है जी। हाँ। और क्या नाम है? 75-80% पोलिंग हो रहा है वहाँ से। तो वहाँ गुजरों ने कितना वोट दिया? जो इंदर सैन का तो कोर वोटर गुजर ही था ना।
गुजरो भाई इंदर सैन के ऐसे कह रहे हैं 100-150 मुश्किल नहीं खड़े सारे भाजपा ही भाजपा है जी, ये हाल कर दिया जी जी जी। तो फिर सिर्फ मुस्लिम वो भी मुस्लिम गुजरों के वोट से कैसे आप कह रहे हैं मुस्लिम गुजर जी क्या? तो लेकिन कह रहे 35,000 से जीत हो गई। नहीं जी नहीं, मुस्लिम गुजर जी किरण सिंह के साथ भाजपा के साथ सारा जुड़ा हुआ है जी। समीकरण क्या है इस बार? इतने तो वो काम हिंदू गुजरों के भी नहीं हुए जी, कहना जितने मुसलमानों के सरकार में जी भाजपा सरकार में इतने काम तो हिंदुओं के भी नहीं, इतने मुसलमानों तो उनकी मर्जी है, उन्होंने वोट देना नहीं, नहीं वो दिया नहीं, वो छोड़ो आप। समीकरण बताओ आपने क्या समीकरण निकाला अपना? समीकरण जी मेरी जीत हो रही है अच्छी तरीके से। कैसे कैसे क्या बात है जी? गुजर भी हो रही है हमारे पास, मुस्लिम वोट समाज से भी वोट रहा जी हमारे पास, दलित समाज का वोट है जी, शिखर दे ब्राह्मण समाज का वोट है जी, हम तो जीत ही रहे जी बस जी। कमल का फूल ही खिला जी, भारतीय जनता पार्टी जीत रही, भारतीय जनता पार्टी 300 पार। अखिलेश यादव नहीं जी, योगी जी, बाबा जी, बाबा जी ने ऐसा क्या? आपका मुकाबला किससे? आप तो मुकाबला अखिलेश से ही है जी, अखिलेश से जी, नोमान से जी, नोमान से नहीं, आई सीट पे तो नोमान से है, इस सीट पे जी जी बब्बन देख तब बब्बा तो भाग लिया प्रदेश में थे बब्बा क्या होगा। तो आपने देखा कि आखिरकार जनता जनार्दन की क्या राय है, क्या वो सोच रहे हैं, कुछ विश्लेषण थोड़ा बहुत यहाँ पर हुआ। एक भाई साहब मिले, उन्होंने कहा कि मुस्लिम वोट आधा आधा बटा है, अब देखना होगा कि आखिरकार 10 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो हिंदू वोट की बात हो रही थी वो समाजवादी पार्टी में जाएगा इस सीट से, वो यहाँ पर जाता नहीं दिख रहा है। और भी जगह हम लगातार सर्वे किए हम गए और ये लगातार अब वक्त बताएगा 10 तारीख। आप लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडेक्स। नमस्कार।